एयरटेल पेमेंट बैंक अगर आपका भी खाता है और डेबिट कार्ड आपका डीएक्टिवेट हो गया तो उसको आप एक्टिवेट कैसे कीजिएगा, इस वीडियो में आप लोगों को लाइव प्रोसेस बताने वाले हैं। बस थोड़ा सा स्टेप आप लोगों को जानना होगा और स्टेप बाय स्टेप वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे आएंगे आपको क्या करना होगा, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे कुछ आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे देखिए ऊपर में हमारा पैसा बैंक अकाउंट में दिख रहा है और नीचे में पे का ऑप्शन है, दोनों में से कहीं पे आप क्लिक कीजिएगा। हम यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे देखिए आप लोगों के सामने डेबिट कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है नीचे में, देखिए। जैसे अब यहाँ पे आइएगा आपका डेबिट कार्ड में क्या करना होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपको इंटर यहाँ पे एम पिन मांगेगा, तो अपना यहाँ पे एम पिन आपको डाल देना है। तो हम यहाँ पे डाल दिए, इसके बाद आगे बढ़ जाना है। देखिए हाय अजीत यादव, योर कार्ड इज करेंटली डीएक्टिवेट। तो हमारा कार्ड यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुका है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए बहुत सारा प्रोसेस आप लोग आजमाए होंगे, कस्टमर केयर से बात किए होंगे लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ। यहाँ पे एक्टिवेट नाव के ऊपर आपको क्लिक करना है, देन इनेबल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे इनेबल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, देखिए कार्ड हैज बीन सक्सेसफुल एक्टिवेटेड। देखिए हमारा कार्ड यहाँ पे शो करने लगा है। उसके बाद मैनेज के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करके और यहाँ से सारा कुछ मैनेज आप आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।